पर बैठ जाएंगे। नेहरू जी स्टेज पर पता रहे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। सतगुरु तेरा ही आसरा, प्रेमी गरीबदास जी इंसा प्यार नगर से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बार प्रेमी नरेश जी इंसा भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। हो बंदे आवे कम तू कर ले भलाई दा, बंदे आवे कम तू कर ले भलाई दा। कौड़ियां दे बदले हीरा लाल नहीं गवाई दा, हो बंदे आवे कम तू कल जेड़ जागी उते डमके सी बजाम दे उना दे निशान किते नजरी नयाम दे, हो खाली हाथ कैजना दावा सी खुदाई दा। खोटियां दे बदले हीरा लाल निंगवाई दा, हो बंदे आवे कम तू कारी ले भलाई दा। काल दा निगारा तेरे सिरी उत्ते वज्जना जग वाला मेला तदों पैना तेनू छड़ना, हो उत्थे नहीं लिया अज होना किसे बाद चाहिदा। कौड़ियां दे बदले हीरा लाल नहीं गवाई दा, हो बंदे आवे कम तू कारी ले भलाई दा। अगदियां उलंजियां च फुला नू नी पाई दा, जख्मी दिला नू एवें कदे नी सताई दा, हो नाम भुलना नहीं हो चाहिदा। कौड़ियां दे बदले हीरा लाल निंगवाई दा, हो
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी नरेश जी इंसान रुड़की भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। दुनिया के लोगों जरा अखियों को खोलना, मिला है ये जन्म हीरा मिट्टी में न रोलना। दुनिया के लोगों जरा अखियों को खोलना, मिला है ये जन्म हीरा मिट्टी में न रोलना। दुनिया के लोगों जरा नर्तन चोला पाया प्रभु के ध्यान लिए, नर्तन चोला पाया प्रभु के ध्यान लिए, खाने न पीने ना ऐश उड़ान लिए, हंस बन मोती चुगो, हंस बन मोती चुगो, निष्ठा न बोलना। मिला है ये जन्म हीरा मिट्टी में न रोलना। दुनिया के लोगों जरा सभी जूनों से ऊंची जून बनाई, सभी जूनों से ऊंची जून बनाई, प्रभु मिलने की मारी है आई। विषयों विकारों में, विषयों विकारों में ना इसको है रोलना। मिला है ये जन्म हीरा मिट्टी में ना रोलना। दुनिया के लोगों जरा बनकर व्यापारी आया बीच संसार के, बनकर व्यापारी आया बीच संसार के, स्वस्वरूपी पूजी कभी जाना ना तुहार के। श्वास बड़े कीमती है, श्वास बड़े कीमती है, मिले किसी बोलना। मिला है ये जन्म हीरा मिट्टी में न रोलना। दुनिया के लोगों जरा संतों की
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा रहे तेरिया रंगा च दिल रंगिया तेरे तो असी तैनू मंगिया हो रब्बा 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 तेरे तो असी तैनू मंगिया हो दाता दाता तेरे तो असी तैनू मंगिया रहे तेरिया रंगा च दिल रंगिया दिल रंगिया तेरे तो असी तैनू मंगिया रब्बा रब्बा तेरे तो असी तैनू मंगिया ओ यारा यारा तेरे तो असी तैनू मंगिया तेरिया राह च असी पाई सजना चादर पलकां दी राह च बिछाई सजना चादर पलकां दी राह च बिछाई सजना हर पल तेरी याद बिच लंघिया हो लंघिया तेरे तो असी तैनू मंगिया रब्बा रब्बा ओ रब्बा रब्बा तेरे तो असी तैनू मंगिया दाता दाता सानू मस्ती प्यार वाली चढ़ी रहे रूप प्रेम दे प्रेम विच जड़ी रहे रूप प्रेम दे प्रेम विच जड़ी रहे तन जावे भावे सूली उते टंगिया तन जावे भावे सूली उते टंगिया असी तैथों तैनू मंगिया हो रब्बा रब्बा तेरे तो असी तैनू मंगिया रब्बा रब्बा बचन मैं कायल हो गया तीर नैना वाला लगया मैं कायल हो गया तीर नैना वाला लगया मैं कायल हो गया सानू इश्क दे डंग ने है डंगया इश्क दे डंग ने है डंगिया असी तां तैथों तैनू मंगिया हो रब्बा रब्बा असी तां तैथों तैनू मंगिया हो रब्बा रब्बा शासत नाम जी दा दीद मंगदा सदा एहो ही मुरादा ए मुरीद मंगदा सोनी शासत नाम जी दा दीद मंगदा सदा एहो ही मुरादा ए मुरीद मंगदा तैनू तेरे कोलो मंगणो ना संगिया
ਕੋਲ ਮੰਗਣੋ ਨਾ ਸੰਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੋ ਮੰਗਿਆ ਹੋ ਰੱਬਾ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਰਹੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰੰਗਾਂ ਚ ਦਿਲ ਰੰਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੋ ਮੰਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੰਗਿਆ ਜੀ ਦਰਸ਼ ਦੀਦਾਰ ਮੰਗਿਆ ਹੋ ਰੱਬਾ ਹੋ ਰੱਬਾ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक ही प्यारी सत्संग जी, सच्चे मुर्शिद कामिल के प्यार मोहब्बत की चर्चा एक भजन के द्वारा आपकी सेवा में अर्ज करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बदला चुकाएं दाता कैसे प्यार का, पतझड़ को बनाया मौसम बहार का। बदला चुकाएं दाता कैसे प्यार का, बदला चुकाएं दाता कैसे प्यार का। पतझड़ को बनाया मौसम बहार का, बदला चुकाएं दाता कैसे प्यार का। गुरु ने ऐसा रंग दिखाया, गुनाहगारों को प्यारे भक्त बनाया। ज्ञान न होए रे मत बेशुमार का, ज्ञान न होए रे मत बेशुमार का। पतझड़ को बनाया मौसम बहार का, बदला चुकाए दादा कैसे प्यार का। से पहले ते हम मर जाए, दुनिया बेकार के ते हम जी सदाए। हर पल हमरा जीना जी कुवार था, हर पल हमरा जीना जी कुवार था। पतझड़ को बनाया मौसम बहार का, हर पल डसती। आत्मा बुराइयों में जाती दी पसती, आलम दचाया मन के विचार का, आलम दचाया मन के विचार का। पतझड़ को बनाया मौसम बहार का, बदला चुकाए दाता कैसे प्यार का। काम क्रोध मोह लोभ
आत्मा को बैठे ते पापी घेरे मन अंकार देते मौका ना सुधार का मन अंकार देते मौका ना सुधार का पतझड़ को बनाया मौसम बहार का सोया प्रेम जगा मिला जी जवाब रो की पुकार का मिला जी जवाब रो की पुकार का पतझड़ को बनाया मौसम बहार का नशा चढ़ाया नाम की कुमार का नशा चढ़ाया नाम की कुमार का बजड़ को बनाया मौसम बहार का बदला चुकाई दाता किसे प्यार का संसार का मिल गया नजारा दोनों संसार का पतझड़ को बनाया मौसम बहार का प्यार बिना पल ना गुजारता
तेरे प्यार बिना पल ना गुजारता, पतझड़ को बनाया मौसम मार का, बदला चुकाएंगा दा कैसे प्यार का, बदला चुकाएंगा दा कैसे प्यार का, पतझड़ को बनाया मौसम मार का, बदला चुकाएंगा दा कैसे प्यार का। धन धन सतगुरु तेरा भी आश्रम। तो अभी आपने भजन में सुना, बदला चुकाए दाता कैसे प्यार का, पतझड़ को बनाया मौसम बाहर का। पतझड़ जब होता है तो पेड़ पौधे अपने सब पत्ते गवा बैठते हैं, उनकी टहनियां सूख जाती हैं, वो मंजर बड़ा ही अजीब होता है, चारों तरफ सूखा नजर आता है, हरियाली गायब हो जाती है। उस मौसम में जीव जंतु भी त्रास त्रास कर उठते हैं। तो हे मेरे रहबर, हे मेरे साईं, ऐसा ही जीवन था जब तक आपसे मिले ना थे। खुशियों की बहार नजदीक ना थी। परमानंद क्या होता है जानते ना थे। कैसे तमाम गमों को मिटाया जा सकता है मालूम ना था। पर जैसे ही आपने प्यार मोहब्बत से नवाजा तो पतझड़ का मौसम भी बहार में बदल गया। बहार वो होती है जब चारों तरफ फूलों की खुशबू होती है, महक उठती है धरती, महक उठता है घास फूस, एक ऐसा मंजर जिसे कोई भूलना नहीं चाहता, एक ऐसा मौसम जिसे कोई बदलवाना नहीं चाहता, वो बहार जिसमें आत्मा में तरंग उठती है, मन में भी तरंग उठती है, इंसान का दिलो दिमाग नाच उठता है। जो कुदरत के प्रेमी हैं, नेचर से जो प्यार करते हैं, उन्हें मालूम है बहार क्या होती है। तो उस बहार में एक अलौकिक कशिश होती है, बड़ा ही आनंद होता है। गम होते हुए भी हरियाली को देख के आदमी गम भूल जाता है कुछ देर के लिए इसे, लेकिन जो सतगुरु अल्लाह मौला की बहार होती है वो तो जन्मों जन्मों के पाप गमों दुखों को पल में दूर कर देती है। वो बहार जब दिलो दिमाग पे छा जाती है तो कोई नेगेटिव, कोई बुरा ख्याल, कोई गिरा हुआ ख्याल आ ही नहीं सकता, क्योंकि बहार में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि उसको कभी टिकने नहीं देती। जो भी कोई बुरा ख्याल आता है, गिरा ख्याल आता है, पर वो बहार हो तब, दृढ़ विश्वास हो तब, क्योंकि मुरीद अपने अल्लाह वाहिगुरु मौला से बेइंतहा मोहब्बत करता है और इसकी मोहब्बत में परमानंद समाया है अगर वो ओढ़ निभा जाए। मुरीद की मोहब्बत, दृढ़ विश्वास इतना हो कि सामने कोई और हो तो आंख उठा के ना देखे अपने अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला के अलावा। ऐसा दृढ़ विश्वास हो, सेवा सिमरन करता हो तो कोई उम्मीद, कोई इच्छा ही नहीं रहती। मालिक के दर्शन हो, जो अपने पीरो मुर्शिद कामिल से मोहब्बत करते हैं, अगर सुबह शाम दर्शन हो जाएं और क्या चाहिए। और अगर कुछ है तो वो भक्ति है, सुमरन सेवा करते रहो, फिर भी मन उचाट होता है तो मन के लिए ज्यादा सुमन करो, क्योंकि मन तो तभी मानेगा जब वचनों पे अमल करोगे। मन तभी कंट्रोल होगा जब अंदर का दसवां द्वार खुलेगा। कईयों को लगता है क्या ये किसी का खुलता भी है, लाखों का खुला है, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता। क्यों नहीं बताते जब खुल गया,
क्योंकि बताने से रूहानियत में अहंकार आता है, खुदी आती है और अंदर से आदमी खाली खाली सा हो जाता है। तो इसलिए ऐसे लोग कभी किसी की निगाह में नहीं आते, जितना हो सकता अपने आप को बचाते हुए अल्लाह मालिक मालिक के दर्श दीदार करते रहते हैं, उससे बात करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों का ही मन काबू आता है, मन वैसे काबू नहीं आता। सुबह शाम मजलिस सुनते हो, सत्संग सुनते हो, सुनते हो, अमल कितना करते हो ये परवरदिगार जानता है। सुनना अच्छा है, फल मिलेगा, लेकिन अमल करने से ही मन काबू करने की विधि मिलेगी। सत्संग में कहा जाता है घंटा सुबह शाम पूरा तड़फ के रो के बैराग से सुमरण करो। सत्संग में कहा जाता है कभी किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को बुरा ना कहो, बुरा ना बोलो, चुगली निंदा से बचो, फजूल की बहसबाजी में ना पड़ो। सत्संग में कहा जाता है कि सत्संग में जब बैठो तो पूरा ध्यान एका करो, आंखें नाचे ना, उनको नचैया मत बनाओ। या तो पीर फकीर बात कहते हैं या कोई शब्द भजन चलता उस तरफ ध्यान हो अंदर ही अंदर, तो पूरा ध्यान जमा के अंदरूनी ख्यालों से जुड़ जाओ। हो सकता बैठे बिठाए खुली आंखों से परवरदिगार अपना कोई रूप दिखा दें, अपनी कोई दया में रहमत से नवाज दें, क्या मालूम। क्या यह संभव है कि दसवां द्वार ना खुले और दर्शन हो जाए? जी हां, दृढ़ विश्वास है ऐसा संभव है, दर्शन हो सकते हैं। दृढ़ विश्वास भी तो इस कलयुग में बहुत बड़ी भक्ति है, बहुत बड़ी बात है दृढ़ विश्वास। वैसे अंधविश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास। जी नहीं, यह नहीं कि जरा सी बात के लिए, जरा की बात के लिए ये। तो संत पीर फकीर तो सबके लिए दुआएं करते हैं, चाहे उन्हें कहो चाहे ना कहो। आगे अगर आपके फायदा नहीं हो रहा, आपको सुख नहीं मिला, तो आपके कर्मों की वजह है। बहुत लोग कहते हैं कि गुरु के आगे कर्म क्या चीज है, गुरु भी तो असूलों में बंधा है। अगर आप सुमरण नहीं करते, वचनों पे पक्के नहीं हैं, सेवा करते हैं लेकिन वचनों पे पक्के नहीं, सुमरण नहीं करते या सेवा नहीं करते, तो भाई गुरु पीर फकीर किस तरह से आपके कर्मों का बोझ हटाएं? कोई तो बहाना चाहिए। अब कोई सुमरण करता है, सेवा भी करता है लेकिन वचनों के परकच्चे उड़ाता है, कहां से मालिक की रहमत जाएगी? तो ये कह देना कि आपके लिए कुछ असंभव नहीं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, गलत है। संत तो क्या, मालिक भी अपने वचनों में बंधा हुआ है, वो भी ऐसा नहीं करता। जहरा तौर पे, प्रत्यक्ष तौर पे किसी को चमत्कार नहीं दिखाता। हाँ, दृढ़ विश्वास हो जाए, चमत्कारों की चाह ही खत्म हो जाए कि मैंने तो मालिक तू जान, तेरा काम जान, सुमरण करना है, तेरे दस दर की इच्छा है, जब तेरी इच्छा हो दे देना, सारी उम्र सुमरण करूंगा, तो हो सकता है अगले ही पल दर्शन हो जाए, क्या मालूम। तो उसके प्यार मोहब्बत की ये कोई खिलौना नहीं, गाथा है बड़ी जबरदस्त। ये नहीं कि आपका जैसे मन करे वैसा हो जाए, असंभव। एक बार आप क्षमा दान लेते हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या भरोसा है आप आखिर तक निभा पाएंगे? ये थोड़ा ही ना कि आपने माफी ले ली और आपको सब कुछ एकदम से मिल गया। कितनी गलतियां की, कितना टाइम गलतियों में लगाया, उसे आधा टाइम ही सुमरण में लगा लो, वो नहीं लगाना। क्षमा होने से आपका बोझ तो हटता है, पर ये थोड़े ना कि हाथों हाथ रहमो कर्म से आप मालामाल हो जाओगे। क्योंकि आमतौर पर जमींदार एक नाला एक खाड़ा जो होता है पानी का, उसको भरता है, पानी खेतों में पड़ता है, नहर से वो नाला आ रहा है, तो जैसे पानी पीछे टूट जाए, पुराने राजस्थान में आम ही होता, कच्चे खाड़े होते, नाले होते, तो उसको बांध के दोबारा पानी को जब वहां तक लेके जाते तो उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता। तो ऐसे आप गलतियां करते हैं, हम तो माफी दे देते हैं और आम संगत को लगता बड़ा बढ़िया काम है, भाई एक गलती कर लो बड़ा आसानी से माफी मिलती, कर लो जिन्होंने नहीं की। ये नहीं पता कि पानी पीछे टूट जाएगा और खाड़ा भरते भरते फिर बड़ा ही समय लग जाएगा, क्योंकि जो रहमो करम आपको मिल रही थी एकदम से टूट जाएगी वो कड़ी, तो फिर दोबारा जुड़ने में पहले कितना टाइम लगा और फिर कितना लगेगा, ये मालिक के हाथ में है और आपके ऊपर निर्भर करता है। सो ये मत सोचो कि आपने गुनाह कबूल किया या कुछ ऐसा कर लिया तो आपको भगवान गोद में बैठा मिल जाए। ये आपने कोई एहसान थोड़े किया भगवान पे कि आपने अपनी गलतियां कबूल कर ली और माफी ले ली, ये तो आपने अपने ऊपर एहसान किया है कि आगे से मैं गलती नहीं करूंगा, भगवान को काहे की दोष। तो इसलिए इंसान को इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। आप गलतियां की क्यों,
इसमें कौन सी बहादुरी थी, और चलो ये बहादुरी है कि आपने माफी ले ली, तो आप में सुधार हुआ है, इसमें भगवान पे तो कोई एहसान नहीं किया। तो कहने का मतलब रूहानियत को समझो, पहले सोचो तोलो फिर बोलो, फिर ही कुछ कर पाओगे। अदरवाइज ना दृढ़ विश्वास बना, ना सुमरण कर पाए, कैसे मालिक के रहमो करम के हकदार बनोगे, कैसे दर्श दीदार होंगे। तो जो उस मालिक को पा जाता है वो यही कहता है, मालिक कैसे बदला चुका हूं तेरे रहमो करम का, तेरे प्यार मोहब्बत का, मुझ में कोई गुण नहीं था पर तेरी रहमो करम ने ऐसा नवाजा कि दया में रहमत से मैं माला माल हो गया। लंदन इंग्लैंड से एक सज्जन बात करना चाहते हैं, राहुल इंसा बात करो बेटा। जी बेटा ठीक हो? बेप्रवाजी दी रहमत है बेटा, तुझे दस भी ठीक ठाक। तो आवाज कट कट के आ रही है बेटा। फोन कट गया बेटा जी। हेलो, हाँ जी बोलो बेटा। हाँ जी पिताजी जी। हेलो, हाँ जी पिताजी, कदों सुनाओगे सत्संग आपका हूं सानू? बेटा जो मालिक ने चाहे। बेटा मैं राहुल इंसा, मैं बरनावा आया सी तानू प्रसाद लैन जी ताडे कोलों, बाहर जान लंदन जान वास्ते जी। 13 नवंबर नु आया सी स्टडी बेस से, मैं लंदन आ ते हुण बहुत यार तारीख ताई ताडी परिवार सारा। हां जी, जगादरी तो हरियाणे च ने, जगादरी रेंदे ने, दूजी लाइन ते ने, ते उन्हां नू नारा लगान कहंदे सानू भी आशीर्वाद दवाया जी। जी बेटा आशीर्वाद, उन्हां नू भी आशीर्वाद। मेनू शब्द भी नी लान दिता गा बी, लवाउण दिया करो। मैं कई बारी बिताई, इन्नी बारी मैं क्या, मैं मेरा शब्द ला, मैं जान तो पहला शब्द लाना, मेनू 2 साल हो गए परची देंदे नू, मेरा शब्द नी लगा। चल थोड़ा जा हुण ला दे बेटा। आवाज कट रही है बेटा थोड़ी। मैं आवांगा अगले साल डेरे ते, मेरा शब्द लवाया जे तुसी। हां पांडे जी ख्याल रखी भी। हां ठीक है जी बेटा। तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। आशीर्वाद अज नहीं लाना सी? ला देंगे, हमने लावांगे अगले साल का, फिर देख लांगे। हुण ला दे लाना तो बेटा। तां तां सतगुरु थोड़ा जा सुना दे, थोड़ा जा। जग विच हुंदियां उंदी काया अज तेरियां, को जग विच हुंदियां उंदी काया अज तेरियां, सिर हार जी लगाइया कानू देरिया, जग विच हुंदिया उड़ीकना अज तेरिया, सिर हार जी लगाइया कानू देरिया, ऊंच नीच वाला भेद जग तो मिटा फेर, जाते अभिमानिया जा फेर, ऊंच नीच वाला भेद जग तो मिटा जा फेर, चाहते अभिमानिया एक पास खा जा फेर, वध गई देश विच नफरता वधेरिया, वध गई देश विच नफरता वधेरिया, सिरजन हार जी लगाइया कानू देरिया, जग विच हुंदिया उड़ीकां अज तेरिया, जग विच हुंदिया उड़ीकां अज तेरिया, वाह जी। बहुत अच्छा बेटा, तेरा शब्द लग गया भाई।
बहुत अच्छा गाया। थैंक यू बेटा जी। जी बेटा आशीर्वाद बेटा। सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा। शालू इल्सम प्रिंसिपल शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल श्री गुरु सरमोड़िया। प्यारे पिताजी 30 दिसंबर को मेरे एमफिल के एग्जाम हैं जी। परीक्षा में सफलता के लिए आप जी का पावन आशीर्वाद चाहती हूँ। प्यारे पापा जी रहमत करना जी। और ये स्क्रीन पर हैं। ओ जी बेटा आशीर्वाद। आप स्क्रीन पे शायद हाँ पीछे नजर आ रहे हैं। आपको आशीर्वाद मालिक खुशी बख्शे। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। देश विदेश में अपना काम धंधा करते हुए 87 कनेक्शन पर 474 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी दुनिया में लाइव मजलिस सुनी जा रही है जी। सबको आशीर्वाद। लाइव वीडियो पर 546 कनेक्शन पर हजारों की तादाद में सार संगत सत्संग देख रही है, सुन रही है और हमें दिख भी रहे हैं। सबको आशीर्वाद। बचनों पर रहते सुमन करते रहो मालिक खुशियां बख्शे। और जो विदेशों में लोग बैठे हैं उनकी हाजिरी भगवंत इंसा भाग इंसा परिवार गुरु नाम इंसा परिवार सरी बीसी कैनेडा राम प्रकाश इंसा भंगीदा जसप्रीत नवजीत इंसा केशव एब्स फोर्ड कैनेडा जसविंदर इंसा परिवार विनीपैग कैनेडा कश्मीर इंसा परिवार परमजीत कौर परिवार बड़गामो इटली इक्वाल इंसा भंगीदा सोए परिवार त्रिवीजो इटली रवि दत्ता लतीना इटली अवतार इंसा परिवार इंडियाना अमेरिका बूटा जी का परिवार बोस्टन अमेरिका रमेश इंसा परिवार वर्लिन जर्मनी जगतार सिंह परिवार ऑरिच जर्मनी लक्की इंसा वे साथ संगत मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया वृंदा इंसा वे साथ संगत संजीव इंसा सिडनी ऑस्ट्रेलिया राजेंद्र इंसा साथ संगत पर्थ ऑस्ट्रेलिया रणकौर इंसा साथ मेंबर गुरदीप कौर इंसा अजमान सिटी दुबई सूरज भान इंसा साथ मेंबर परिवार करामा सिटी दुबई डॉक्टर चंचल छावड़ा शारजहा दुबई हरिनारायण मनीला फिलीपाइंस कल्पना इंसा वे दीपक इंसा बीजिंग चाइना बीरपाल कौर वे परिवार ऑस्ट्रिया गुरदीप सिंह भंगीदास परिवार दोहा कत्तर राजपाल सिंह मंगफ सुखपाल इंसा परिवार बेल्जियम शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल कॉलेज श्री गुरु सरमोड़िया शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल बुधनी मध्य प्रदेश हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी दिल्ली चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर मध्य प्रदेश उत्तराखंड छत्तीसगढ़ अहमदाबाद बड़ौदा गुजरात हैदराबाद आंध्र प्रदेश बिहार झारखंड कलकत्ता बेंगलोर मंगलोर कर्नाटक सांगली पुणे मुंबई महाराष्ट्र चेन्नई तमिलनाडु केरल और गोवा अपने देश में शासन बैठी है तो सबको आशीर्वाद मालिक दया में रहम से सबको नवाजे जी। अशोक इंसा देवेंद्र कौर इंसा टोरंटो कैनेडा प्यारे पिताजी आप जी द्वारा आरंभ किए गए वैश्यावर्ती उन्मूलन के महायज्ञ में वैश्यावर्ती छोड़कर आने वाली लड़कियों के नए जीवन की शुरुआत के लिए देवेंद्र कौर 2,20,000 रुपए दीन दुखी मद में बैंक में जमा करवा रहे हैं और अपनी माता सचखंड वासी दिलीप कौर की याद में मानवता भलाई के फंड में 502 रुपए जमा करवा रहे हैं जी। इसी मुहिम में अशोक इंसा जी 30,500 रुपए जमा करवा रहे हैं जी। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद। प्यारे पिताजी हम आप जी के वचनों के अनुसार रोजाना $2 मानवता भलाई के लिए निकालते हैं जी। उसकी कुल राशि 2,728 रुपए की मानवता भलाई फंड में जमा करवा रहे हैं। बहुत आशीर्वाद बेटा मालिक दया में रहमत से नवाजे। प्यारे पिताजी मैं अशोक इंसान वैश्यावर्ती छोड़कर आने वाली एक लड़की को अपनी बहन बनाना चाहता हूं। एक मैं भाई के सभी फर्ज निभा सकूं इसके लिए आप जी का आशीर्वाद चाहता हूं। बहुत बड़ी बात है बेटा बहुत बड़ी बात। क्योंकि उन वैश्यावर्ती जो कि समाज ने मजबूर किया उन बच्चों को तो बच्चियों को आप बहन बनाना चाहते हैं जो अपने आप में बेमिसाल बात है। आपको परिवारों को मालिक दया में रहमत से नवाजे बहुत खुशियां बख्शे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा प्रसाद लेना आशीर्वाद शाबाश बेटा मालिक हिम्मत दे आशीर्वाद। यूथ वेलफेयर फेडरेशन महिला विंग ने नशे भ्रूण हत्या वैश्यावर्ती समलैंगिकता के खिलाफ आज कुसुम भी वे गदली सरसा वे चुनाव और मानसा में रैलियां निकाली। एसएचओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पंचायतों से कहा कि सभी गांवों में ऐसी रैलियां निकलनी चाहिए। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल सरसा एथलीट ने सीबीएसई नेशनल में 2 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। शाबाश बेटा शाबाश बहुत बड़ी बात आशीर्वाद मालिक खुशियां बख्शे आशीर्वाद बेटा। जम्मू से 2 भाई 2 बहनें रिश्ते के लिए नेवी में सिलेक्शन हुआ है गुवाहाटी वापस जाना एक भाई रिजल्ट आना है। गिरडीहट झारखंड से एक परिवार लगभग 800 भाई बहनों ने आज 3 एकड़ जमीन में बिखरी वनचट्टी इकट्ठी करने की सेवा की है तो सबको मालिक बहुत बहुत खुशियों से नवाजे। सबको आशीर्वाद घरों के लिए प्रसाद लेना दया में रहमत से करे सेवा सेवन सत्संग का फल दे और आपकी जोड़ियां दया में रहमत से माला माल हो। सबको आशीर्वाद बेटा सबको आशीर्वाद। घर में परेशानी सुबह से लेकर रात तक घर में खाना बनता सुमन करके बनाओ कम से कम 3-4 महीने लगातार
यह सारे परिवार वाले घंटा सुबह शाम इकट्ठे बैठ के सिमट करो दो तीन महीने लगातार, तो लाखों की परेशानियां दूर हुई, मालिक ने चाहा आपकी भी दूर होंगी। घर से कोई चला गया, घंटा सुबह शाम दो महीने लगातार सिमट करो, 27-27 साल के गए वापिस है लाने वाला मालिक, कोई बच्चा नहीं, दोनों मियां बीवी चेक करवाओ, रिपोर्ट में कमी तो सुमन करके दवा लो, रिपोर्ट नॉर्मल है तो सुमन करो, 40-40 सालों बाद ही मालिक ने बच्चे दिए, देने वाला मालिक, सिमण आपने करना। सिर्फ बेटियां हैं, बेटियां भी बेटों से कम नहीं अगर अच्छे संस्कार दो, बाकी आप सिमण कीजिए। सुमण नहीं चलता, घंटा सुबह 2 से 5 के बीच में सुमण कीजिए, शाम को रोटी से पहले रोटी के 2.5-3 घंटे बाद घंटा सुमण कीजिए, चलते फिरते सुमण कीजिए, खाना नाम जब के बढ़ाइए तो लाखों का सुमण चले, मालिक ने चाहा आपका भी चलेगा। शास्त्र में गिनने से वेलफेयर फोर्स विंग का प्रसाद लेना, दो भाई एक बहन, खड़े होकर नारा लगा दीजिए और बैठ जाइए, बेटा नाम दर्ज करवा लीजिए, प्रसाद दे दीजिए। हाँ आप भी बैठ जाइए बेटा नारा लगा के। घर जाने के अगले नहीं, प्रदीप इनसाइटली 8 दिन की सेवा करके घर जाने, खड़े हो जाए 6 दिन 14 दिन 23 दिन वाले मिस्त्री, 7 दिन 17 दिन 20 दिन 30 दिन 47 दिन वाले भाई बहन, 2 भाइयों ने उड़ीसा डेरे में 1 महीना सेवा की, ब्लाक मोहड़ा केसरी 45 भाई बहनों ने 1 ट्रैक्टर ट्राली से 1 सप्ताह सेवा की, खड़े होते जाएं। ब्लाक मटेड़ी शेखा से 28 सेवादारों ने 1 ट्रैक्टर ट्राली से 1 सप्ताह सेवा की, खड़े हो जाएं। ब्लाक पटियाला से 47 भाई बहने 4 दिन की सेवा करके घर जाना चाहते हैं। ब्लाक इस्लामाबाद से 25 भाई बहनों ने 7 दिन की सेवा की। शास्त्र में नगर से सेवादार भाई 1 ट्राली ईंधन लेकर आए हैं जी, कनक समिति के 32 सेवादार हर महीने 1 सप्ताह गेहूं साफ करने की सेवा करते हैं जी। वैश्यावर्ती छोड़कर आने वाली बहनों के लिए दीन दुखियों मध्य बैंक में 5,150 रुपए भी जमा करवा रहे हैं जी। आशीर्वाद, खड़े हो जाएं। तो जो भी सेवा करके घर जा रहे हैं, जितनी सेवा की उससे बढ़ चढ़ के सेवा सिमर सत्संग का फल मालिक आपकी झोलियों में डाले। सारे परिवारों को कहना पिता ने आशीर्वाद, परिवारों को भी मालिक खुशियों से नवाजे, घरों के लिए प्रसाद लेना, खुद भी खाना और परिवार में देना, बहुत बहुत आशीर्वाद। शाबाश बेटा, सबको आशीर्वाद, बैठ जाए बेटा, आशीर्वाद। बीमार जब बीमारों के लिए प्रसाद लेके, यहां कोई बीमार है या घर लेके जाना है तो मालिक से प्रार्थना बिनती दुआ करके प्रसाद देते हैं, प्रसाद लीजिए, दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा तो वहीं से लीजिए, नहीं फायदा तो यहाँ 3 हॉस्पिटल गुरुसर मोड़ में दवाई ले लो, जितने बार दवाई लेने पहले आता 1.5 घंटा सिमरन करना, कैंसर या लाइलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो, मानते लाखों लोग जीवते करने वाला भगवान मालिक सतगुरु, मानना आपने है जी। बाकी 3 वचनों में पहली बार गलती हुई, जरा खड़े हो जाइए जल्दी से, आपको माफी दिलवानी है। 3 परहेजों में शराब नहीं पीना, मांस अंडा नहीं, पर पुरुष पराई औरत, 3 वचनों में गलती है, अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। तो मालिक से प्रार्थना में दुआ करके आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद आपकी तरफ आए उससे पहले पहले खड़े हो जाओ, आशीर्वाद आशीर्वाद, खड़े हो जाइए, आशीर्वाद आशीर्वाद, और जोर से नारा लगा के बैठ जाइए जी। मालिक को माफ करने वाले, आइंदा वचन में गलती ना करें, श्रवण करें, मालिक खुशियां बख्शने वाले हैं, आशीर्वाद। भक्त योद्धा वाला प्रसाद गुम हुआ, दोबारा लेना चाहते हैं जी, प्रसाद ले लेना, नारा लगाते हैं। शादी में शराब पिले, नारा लगाने के बाद भी कैप्सूल खा ली, जुए में 10 लाख रुपए हार गए एक भाई, जाम के 2 गिलास पिए, तीसरी बार माफी लेने, 3 महीने सुमन की बहन रितु, तो खड़े हो जाए जो तीसरी बार माफी लेना चाहते हैं, आप नारा लगाएं, बैठ जाएं, लगातार सिमरन जारी रखिए और आइंदा बचनों में गलती ना कीजिए, लगातार सिमरन जारी रखिए, मालिक माफ करने वाले हैं। बाकी कोई भी गलती की नारा लगा दीजिए माफ, आइंदा से ख्याल रखिए, आशीर्वाद। सुबह 7 बजे लेकर रात के 10 बजे और सारी सारी रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना में दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे जी। मिर्जा वाली मेहर हनुमानगढ़ से छोला छोड़ा है, इनकी माता ने परिवार खड़ा हो जाए, उम्र 70 साल, नाम लिया था और नेत्रदान भी किए हैं जी, सो नेत्रदान महादान, और ये उनकी याद में दिन दुखी मध्य बैंक में 1100 रुपए जमा करवा रहे हैं जी, आशीर्वाद, खड़े रहें। अगला परिवार श्री जलाना साहब सरसा से, इनके नाना जी नाम लिया था, उम्र 94 साल, उनकी याद में 2100 रुपए बैंक में जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। तो जिसने नाम लिया होता वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोक का नाम ही चली जाती है, मालिक ज्यों त्यों लेके जाते हैं। सारा परिवार सिमरन कीजिए, 13 भाणा मीठा लागे, मालिक ताकत देता है, जेने की जो जख्म देता मरम भी उसी के पास। अगर अस्थियां फुल लेके आए हो तो आपका खुद का खेत है तो गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या फिर बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो, क्योंकि ये तो मिट्टी है, आत्मा मालिक की गोद में चलेगी। तो सारे सिमरन करें, मालिक आपको हिम्मत दे, प्रसाद ले लीजिए, सबको आशीर्वाद, इधर भी प्रसाद ले लें, मालिक आपको ताकत दे, आशीर्वाद। और सास संगत में प्रसाद पहने, शादी के कपड़े, बच्चों के कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी को लेके के आशीर्वाद ले रहे हैं तो बैठे बैठे ऊपर कर लीजिए। प्रसाद घरों में खुशियां दी, गाड़ी आराम से चलाएं, मोटरसाइकिल तो हेलमेट रखें, पहने तो लगन से याद कीजिए, लिखाई कीजिए, विवाह शादी सुख सुविधा से संपन्न हो, और गृह प्रवेश नारा लगा के जिस दिन मर्जी और जिस टाइम मर्जी कर लीजिए, और अगर बेटा बेटी हुआ है तो मालिक से दुआ है वो नेक अच्छा इंसान बने और आप सबको आशीर्वाद कहते हैं जी। तो नीचे कर लीजिए,
कोई नशा छोड़ने आया तो 7 दिन के लिए यहाँ पे रुक जाओ, परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे, 7 दिन सेवा सेवन करने से भयानक नशे छूट जाते हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल से जरूरत नहीं पड़ती। पर एक परिवार का आदमी साथ रहे, रहना फ्री है, खाना फ्री है, इलाज की जरूरत पड़ती है वो भी कर पाते हैं, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ती अगर अच्छी लगन से करोगे तो। आपने बाद में प्रसाद ले लेना है जी। बाकी जो भी सत्संग आश्रम में सत्संग में चल गया, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आया नु शाम दीद कहते हैं मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी, फिर जैसा आपका विचार, थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना है, सज रहना है जी।